चिकन बिरयानी बनाने के लिए, चिकन दम बिरयानी होगी ये वाली, इसके लिए हमें चाहिए बासमती राइस, 2.5 कप राइस है ये। इनको सिर्फ वॉश करना है 3 टाइम्स, फोर्थ टाइम पीने के पानी से, और फिर उसके बाद सोक करके 10 मिनट्स के लिए रख देना है। ये 1 kg चिकन है, वॉश किया हुआ है, और ये मैंने छानी में रखा हुआ है सो दैट इसका पूरा पानी निकल जाए। 750 ग्राम्स अनियंस हैं, ये गरम मसाले लगेंगे हमें। ये पिसा हुआ गरम मसाला है अम्मी स्टाइल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ये जिंजर और गार्लिक चाहिए हमें इतना, इसका हम पेस्ट बनाएंगे, ये ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून्स बनेगा। धनिया चाहिए, ये 1.5 कप धनिया है। पुदीना है 1 कप, मिल्क है 1/3 कप, 1 कप गाढ़ा दही है, 1/4 कप रेजिन्स और आलमंड्स मिक्स करके लिए हैं। यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी इफ यू वांट टू मेक इट रिच। हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टी, नमक स्वाद अनुसार, घी 4 टेबलस्पून्स, फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन, केसर थोड़ी सी। ये बिरयानी एसेंस है, ये ऑप्शनल है, या तो आप बिरयानी एसेंस यूज़ कर सकते हैं फ्यू ड्रॉप्स, या फिर आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर 1 टेबलस्पून, पानी चावल बॉईल करने के लिए, चावल वॉश कर लेते हैं फिर पानी डाल के सोक करने रख देंगे फॉर 1/2 आवर। अनियंस हमें चॉप करने हैं, ये अनियंस आपको लाल करके रखने हैं, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून्स ऑफ घी है ये, क्योंकि जब हम लोग डीप फ्राई करते हैं प्याज तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी लगता है, इसीलिए मैं इसको सिर्फ टॉप फ्राई करके लाल करूँगी। क्रिस्प हो या फिर लाल किए हुए हो, उसमें टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। ये हम हाई पे रखेंगे लाल होने के लिए। जो चिकन का मैरिनेट बनेगा उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो हम इसमें डालेंगे। अभी जिंजर और गार्लिक हम इसमें डालेंगे। ये जो पुदीना है इसका 1/2 डालेंगे इसमें। जो धनिया के जो ये स्टेम्स होते हैं ना, ये डालिए, डंठल जो होते हैं वो। और ये धनिया जो है इसका मैं 1/2 बाद के लिए रख रही हूँ, और 1/2 इसमें डाल रही हूँ। अब इसको हमें बिना पानी के पीसना है, और ट्राई कीजिए कि ज़्यादा देर ना चलाएं, अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। जब ये हम पीस रहे हैं ना तो पल्स कर कर के पीसिए, मतलब बीच बीच में रोक रोक के पीसिए। ये हमें ना दरदरा ही पीसना है, एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। और अगर आप इसको एक साथ बिना पल्स के पीसेंगे ना तो इसका कलर जैसे ग्रीन है वो आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, वो थोड़ा डार्क ग्रीन या ब्राउनिश हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे पीसते हैं तो ये इतनी स्पीड में घूमता है कि गर्मी हो जाती है इसके अंदर, और उस गर्मी से ये जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं और वो ब्राउन हो जाता है। जो मसाला हमको चिकन को भिगाने के लिए चाहिए वो हम रेडी करते हैं। ये जाएगा पूरा का पूरा इसमें, ये दही जाएगी 1 कप, दही खट्टी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फ्रेश होगी तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, सो मीडियम होनी चाहिए या फिर खट्टी होनी चाहिए। नमक डालिए स्वाद अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्च 1 चम्मच, इसमें आप लोग ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, आई एम ओनली यूजिंग दिस ग्रीन चिलीज। अगर आप डालना चाहें तो अराउंड 10-15 ग्रीन चिलीज सिर्फ स्लिट करके डालिए, मिला लीजिए। ये जो गरम मसाला था इसमें से 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने अभी। अब इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चिकन के पीसेस बिरयानी कट जो मिलते हैं वो यूज़ करने चाहिए। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो एकदम अच्छा लाल हो चुका है। जो हमारा ये रिमेनिंग गरम मसाला था वो हम इसमें डालेंगे, और जो ये धनिया पुदीना हमने बचाया था उसमें से और 1/2 इसमें डालेंगे और 1/2 बचाएंगे। अब जो इसका ऑनियन है इसमें से हम सिर्फ 1/4 ऑनियन बचाएंगे, बाकी इतना पूरा ये चिकन को मैरिनेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हमारा जो चिकन है
वो मैरिनेट होने के लिए रेडी है। इसको हम रखेंगे एटलीस्ट 1 आवर के लिए, मिनिमम 1 आवर होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो कीप इट फॉर ओवरनाइट। इस समय आप नमक है वो टेस्ट कीजिए, थोड़ा इस समय पे नमक ज़्यादा आपको फील होना चाहिए। जो नॉर्मल चिकन का टेस्ट आपको चाहिए उससे थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखना है इस समय। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट कर रहे हैं तो फ्रिज में रखिए, अगर आप बहुत कम टाइम के लिए मैरिनेट कर रहे हैं तो बाहर ही रखिए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम ये जो मिल्क है ना, हमने लिया था 1/3 कप ऑफ मिल्क, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर केसर भिगाने के लिए। चावल बॉईल करने के लिए जो मैं पानी लूँगी यहाँ पे वो 9 कप्स रहेगा। इसमें हम डाल देंगे नमक। जब हम इसमें नमक डालें तो वो उतना होना चाहिए जितना कि सी वाटर जैसा जो टेस्ट होता है उतना ज़्यादा सॉल्ट होना चाहिए। अब इस पानी को पहले हम बॉईल करेंगे, उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। तेज़ बॉईल हो रहा हुआ पानी होना चाहिए चावल डालने के पहले। ये जो पूरे खड़े गरम मसाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये तो तोड़ के डालना चाहिए ऐसा। ये अभी गैस हाई पे है, इसको मैं ढक रही हूँ, फास्ट होगा। इसमें हम चावल डाल देंगे। बॉईल होने देंगे इसको। इसको हमें कनी कच्चा पकाना है, अल दंते बोलते हैं उसको। थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए, ऑलमोस्ट पक जाना चाहिए। सो उतनी देर तक हम इसे बॉईल करेंगे और फिर उसके बाद इसे हम स्ट्रेन कर देंगे। 7 मिनट्स में कि ये अच्छे से भीगे हुए राइस थे तो ये कुक हो गए हैं। एग्जैक्टली ऐसे चाहिए हमें। ये एकदम से पूरे गल नहीं गए हैं, दबाने से भी ये पूरा गला हुआ नहीं है, लेकिन कुक्ड है। इसे छान लेंगे। राइस जो है मैंने छान लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ठंडा पानी, सो दैट इसकी कुकिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाए। और ये यहाँ छन्नी पे रहने देंगे इनका पानी निकलने के लिए। जो रिमेनिंग कुकिंग होनी है वो चिकन के साथ जो थोड़ी देर होनी चाहिए उतनी हो जाएगी। ये हमारी सेम हांडी है जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे। ये हैवी बॉटम हांडी है इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आप भी हैवी बॉटम हांडी ही यूज़ कीजिएगा। 1 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं। इसमें जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें आ जाएगा अभी। चिकन को हम टोटल 2 मिनट्स के लिए बस सौते करेंगे। अभी गैस हम सिम पे कर रहे हैं, 2 मिनट्स हो चुके हैं हमें इसे सौते करते हुए। इसमें हम राइस डाल देंगे, राइस डाल रहे हैं। डबल लेयर नहीं बना रही मैं, सिंगल लेयर ही बना रही हूँ। जो ये हमने अनियन जो फ्राई करके रखा हुआ था इसमें हम अनियन का ये डाल देंगे लेयर। धनिया पुदीना, ये जो हमने सैफरन, और ये जो हमने सैफरन को भिगा के रखा था मिल्क में, इसमें मैं डाल रही हूँ बिरयानी का एसेंस अराउंड 10 ड्रॉप्स। और ये रोज़ वाटर भी इसी में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून को। प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। स्मेलिंग नाइस। और 1 टेबलस्पून घी हमें गरम करके इसके ऊपर छौंक डालना है। आई एम यूजिंग द सेम पैन। अब आप जो गैस है वो हाई पे कर सकते हैं। ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे ये हम इसमें सिर्फ इसे कोट करके थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। और इसे अब हम रख देंगे सिम पे फॉर 15 मिनट्स। एवरी 5 मिनट्स हम इसकी जो पोजीशन है हांडी की वो बर्नर के ऊपर थोड़ी सी शिफ्ट करेंगे। तो मैं थोड़ी ऐसे करके रख रही हूँ नीचे जो चिकन है, अदरवाइज़ क्या होता है सिर्फ सेंटर में कुक हो जाता है और साइड्स जो है वो नॉर्मली अच्छे से कुक नहीं होते हैं।
अगर आप तवे पे रख रहे हैं देन इट विल बी इवनली डन, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली बर्नर पे कुक कर रहे हैं तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं. सो आई एम शिफ्टिंग इट दिस साइड सो दैट इस साइड का चिकन भी अच्छे से कुक हो. सो आफ्टर 5 मिनट्स आई विल डू इट फॉर दिस साइड, फिर अनदर 5 मिनट्स आई विल डू इट फॉर दिस साइड. सो टोटल 15 to 20 मिनट्स में इट विल बी ऑल डन. इसको चेक करने के लिए ऐसे एक साइड में आप थोड़ा सा ये राइस हटाइए और देखिए कि पानी तो नहीं है नीचे. सी नहीं है, पानी बिल्कुल सूख चुका है. इसका मतलब है दैट बिरयानी इज रेडी टू बी सर्व्ड.